5 रुपए का एक ही? वाह भाई वाह, इसका कौन है मालिक, कौन है बनाता, कौन है? केवल, केवल भाई है। अभी केवल भाई से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लगे, और ये वाली 5 की 1, ये 5 की 1 है। फिर 1800 रुपए में इतना बड़ा काम आपने स्टार्ट किया है। अभी अल्लाह का शुक्र है, भगवान का, कि मेरा 30,000 बता रहे थे। 30,000 रुपये दोस्तों, जो देखें मेहनत बहुत आसान है लेकिन करनी बहुत हार्ड है, ऐसे ना? हाँ, और मेहनत के सिवा तो कुछ मिलता भी नहीं ऐसे। हाँ, वाह भाई वाह, ये देखें अभी केवल भाई दे लगे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, कैसे सब बड़े होंगे दोस्तों, एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो आज हम एक जा रहे हैं गांव के अंदर, जहां पे हमारे केवल भाई दोस्तों, ठीक है, केवल भाई का जो छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा कारोबार है दोस्तों, जो पापड़ बोलते हैं, जो यहाँ पे पापड़ भी वो सेल करता है, घर पर बनाता है, और जिसको दूसरा बोलता है गांठिया, गांठिया भी बनाता है दोस्तों, उसको सेल करके दोस्तों उसकी कितनी मंथली इनकम हो और कैसे कारोबार स्टार्ट किया, कितने में कारोबार स्टार्ट किया दोस्तों, तो वो आज आपको दिखाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला, वीडियो को एंड तक जुड़े ना, वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारे तकरीबन ये दूर है, तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो भाई रहता है, ठीक है, केवल भाई। तो हमें जैसे पता चला तो हमने कहा कि वहाँ का जो वीडियो दिखाए दोस्तों, वहाँ पर किस कंडीशन में उनके घर कैसे बना हुआ है दोस्तों, और वो कैसे हालात में रहते हैं, और कैसे हालात में उसने ये कारोबार किया, और इसको कितना नफा और नुकसान हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, और वो आपको घर भी दिखाएंगे दोस्तों, और उनका जो कारोबार है छोटा सा वो भी दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाला है, वीडियो को एंड तक जुड़े ना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों ये रास्ता जा रहा है केवल भाई के घर की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे केवल भाई के पास, जो उन्होंने मतलब छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है और कहाँ तक ले गए कारोबार दोस्तों। जब उसकी कहानी सुनोगे आप एक अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों, एक 1800 रुपए में इतना बड़ा कारोबार कैसे स्टार्ट किया है उसने दोस्तों, ठीक है गाइस। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंड तक जुड़े रहना दोस्तों। तो गाइस आज हम जा रहे हैं केवल भाई का जो घर बना हुआ है वहाँ पे, केवल भाई का जो छोटा सा कारोबार है, जो पापड़ वगैरह बना के उसका सेल करता है दोस्तों, ठीक है। तो वो भाई जो एक छोटा सा कारोबार उसने कैसे स्टार्ट किया, उसकी स्टोरी पूरी आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली वाली है, वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। ये रास्ता जा रहा है दोस्तों, एक पक्का मतलब कच्ची पटरी बनी हुई है जो इसके घर के तरफ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और सामने ये फैक्ट्री भी बनी हुई है दोस्तों, ठीक है गाइस। आज हम आए थे गांव के अंदर, तो यहाँ पे देखें हमारा भाई है, जो हिंदू भाई है, यहाँ पे जो घर पे बनाता है खुद ये पापड़ वगैरह, और इसकी जो सेल करता है। अभी देखो यहाँ पे देखें, ये तैयार पड़े हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे पैकिंग भी हो रही है इनकी, यहाँ पे लगे हुए हैं पैकिंग में, ये देखें भाई यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपका? विजेश। विजेश, वाह भाई वाह, ये देखें दोस्तों बहुत बड़ा पापड़ है ये, छोटा सा है ये। ये कितने का एक चला था? 5 रुपये का एक ही? वाह भाई वाह, इसका कौन है मालिक, कौन है बनाता, कौन है? केवल, केवल भाई है। अभी केवल भाई से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लगे, और ये वाली 5 की 1, ये 5 की 1 है, और ये 5 रुपये का एक है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो केवल भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। राम राम केवल भाई। राम राम, जय श्री राम भाई। क्या नाम है आपका केवल भाई? कैसे काम कर चल रहा है आपका? सही चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, कितनी फिर भी आपकी इसमें बचत हो जाती है तकरीबन? बचत निकाल के गुजारा चल जाता है, गुजारा चल जाता है इसमें। हाँ, वैसे महंगाई तो है। हाँ, आयल वगैरह माल महंगा है। अच्छा, ये मतलब क्या किलो के हिसाब से चलते मिलते हैं ये वाले? हाँ, ये 200 रुपये किलो मिलते हैं। ये 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो। अच्छा, ऐसे 2 किलो में कितनी बन जाती है थैलियाँ? किलो में तकरीबन हम जो इसमें बचत निकालते हैं ना, तकरीबन 100-150 रुपये किलो भी बचाते हैं। 100-150 रुपये बचत पे, मतलब 1 किलो पे? 1 किलो पे। तो कितनी थैली इसमें बन जाएगी 1 किलो में तकरीबन? 1 किलो में तकरीबन 5-6 बन जाएगी। 5-6 थैली? हाँ, 5-6 थैली, क्योंकि ये बड़ा है इस वजह से। हाँ, वजन भी काफ़ी है इसमें। अच्छा, ये वजन इसमें काफ़ी है, इसी नहीं ये। हाँ यार, ये देखें दोस्तों ये पापड़ यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, कौन से डिज़ाइन का बनाते हो पापड़? एक ये पड़ा। हाँ, एक ये, इसको बोलते हैं पेंसिल बॉल। अच्छा, ये पेंसिल बॉल है। हाँ, ये 5 पूरी इसमें 5 लगते हैं। 5 लगते हैं? 5 लगते हैं। और ये वाले, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं करला। करेला? करेला। हाँ, करला भी बोलते हैं, 6 पर भी बोलते हैं। अच्छा, 6 पर। हाँ, तो ये 5 वाली पूड़ी में 3 दाने लगते हैं। 5 वाली वजनी है? 5 वाली पूड़ी में 3 दाने? 3 दाने होते हैं। 3 दाने हैं, ठीक है, काफ़ी वजन। और ये जो सेमी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेमिया बोलते हैं उर्दू में, और अपने गुजराती में गाठिया बोलते हैं। गाठिया? हाँ। अच्छा, ये इसकी पूरी बनती है 5 वाली और 10 वाली? 10 वाली डायरेक्ट में? 10 वाली। हाँ, डायरेक्ट, डायरेक्ट में। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये 4 दाने लगते हैं 5 में। इसको क्या बोलते हैं?
ये कटिंग होती है इसकी, कटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं रंगीन, रंगीन। अच्छा, इसमें मिक्स में होते हैं, इस वजह से। तो ये आपका पिंजरा ये है, इस पे जाते हो आप, इस पे सेल करने जाते हो आप? तो फिर कहाँ कहाँ, गाँव गाँव में सारी जगह जाते हो? हाँ, गाँव तकरीबन ये समन गोड़ बेलाड़ो के बीच बीच में, हाँ, रोड के दोनों तरफ पे दुकानों पे जाते हैं। अच्छा, दुकानों पे जाते हैं। तो फिर वो आपके मतलब डेली पेमेंट होती है, मंथली पेमेंट देते हैं वो आपको? रोज की होती है, रोज की हो जाती है, कैश पेमेंट हो जाती है। और ये सारे मतलब ये आपका पूरा ये एरिया? हाँ, ये पूरा। वाह भाई, अंदर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये घर है मेवा भाई का, अपना सॉरी मेवा भाई नहीं, अपना केवल भाई का घर है। तो ये छोटा सा घर इनका बना हुआ है, अभी केवल भाई लगे हुए हैं यहाँ पे बना रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इसको मतलब गर्मी में इधर खड़े भी नहीं हो सकोगे, कैसे बना रहे हो ये? बस भाई गुजारा करना पड़ता है, गुजारा ना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसको मतलब उसी टाइम निकालना पड़ता है? नहीं, हाँ, इसी टाइम नहीं, नहीं तो जल जाएंगे। हाँ हाँ, तो देखो दोस्तों कैसे बना रहे हैं, अभी केवल भाई लगे हुए हैं बनाने के लिए। गुजारा अगर चलाना है ना भाई, हाँ, तो धूप नहीं देखनी है, धूप गर्मी बाय नहीं देखना है। अच्छा, हाँ, चाहे वो बरसात भी हो कुछ भी हो, करना पड़ता है। अच्छा, इसमें फिर आप काठी जो लकड़ी वगैरह लेके आते हो जलाने के लिए, वो भी पैसे से लेके आते हो आप या नहीं? लकड़ी आर से लेके आता हूँ, 600 रुपये मन है। 600 रुपये मन? 600 रुपये मन। फिर कितनी जल जाती है आपकी? मैं लाता हूँ रोजाना 20 किलो। 20 किलो? हाँ। तो कितने मतलब कितने दिन चल जाती है आपके मसाले अभी? एक दिन की। एक दिन की? एक दिन की 20 किलो लकड़ी और तकरीबन 12 किलो ऑयल। 12 किलो ऑयल इसमें? सरसों का तेल, सरसों का तेल लगाते हो इसमें? ये कैन पर, ये कैन आपका पूरा कितने का मिल रहा है? ये कैन ये अभी हो गया 8,500 रुपये का। 8,500 रुपये? 500 रुपये का? हाँ, अभी। वाह भाई वाह। हाँ, अभी सही हो गया पहले से। अच्छा, तो अभी कुछ ना सही हो गया। ये देखें दोस्तों अभी कितनी गर्मी है, फिर भी गर्मी के बाद यहाँ पे भाई खड़े हैं और अपने गुजारे के लिए, बच्चों के लिए, पेट के लिए करना पड़ता है ये, करना पड़ता है। तो ये देखें दोस्तों अभी तैयार हो रहे। दूसरा काम होता नहीं है मेरा, पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ, ये पांव देखो टूटा हुआ है। अच्छा, हाँ, फिर तो ये काम होता नहीं, अभी ये काम है तो ये बच्चे भरते हैं। अच्छा, ये कैसे आपको आइडिया आ गया, तो ये काम आपने स्टार्ट कर दिया? बस एक मेरी कहानी भरी है वो। कैसे? हाँ, अगर सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो पहले शुरू शुरू में चला था चिंची। हाँ, चिंची सही है, ठीक है। इसके बाद चिंची में मेरा गुजारा नहीं चला। हाँ, इसके बाद मैंने दुकान भी लगाई थी। हाँ, मगर इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे को कुछ सामान कम लेके आ रहा था, तो घर का गुजारा नहीं चल रहा था, ठीक है। फिर ना इसके बाद मैंने ये काम शुरू किया था, मेरे पास ही मुर्गी है। मुर्गी है? मुर्गी है। अच्छा, वो कुकड़िया बोलते हैं जिसको। हाँ, इसको खाली करो। हाँ, इसको खाली करो। तो मैंने मेरे पास ये बच्चे भी सारे छोटे बच्चे थे, कितने? 5 बच्चे। 5 बच्चे? हाँ, मैंने भेजे थे तकरीबन 2,200 रुपये में। 2,200 रुपये में? 2,200 रुपये में, ठीक। 5 बच्चे? 5 बच्चे। वाह भैया। फिर इसके बाद मैंने 1,800 का ये काम स्टार्ट किया था। फिर 1,800 रुपये में इतना बड़ा काम आपने स्टार्ट किया है? अभी अल्लाह का शुक्र है भगवान का कि मेरा 30,000 का कारोबार, 30,000 रुपये का। वाह भाई वाह, वाह भाई। अच्छा, क्या है कि मेहनत है, मेहनत की आपने, एक आपने मेहनत की और दूसरी बात है ग्राहकी बनानी बहुत मतलब आसान काम नहीं होती, मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, है ना? हाँ। कभी तो भाई आप ग्राहक दुकान पे शॉप पे देने जाते होंगे, वो बोले भाई आज पे मेरे पैसे नहीं है, कल ले जाना, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है ना। तो सर ना मेहनत बड़ी बात है, सफाई की, सफाई। अभी आज जल रहा है, ठीक है, शाम तक जब पुराना आयल होगा ना वो मैं इसमें नहीं डालूंगा। अच्छा, वो नहीं डालूंगा, वो ये मशीन खड़ी है। हाँ, अभी देख लो मशीन को लगा लिया मैं। अच्छा, ये वाली में लगा देते हो, पुरानी वाली? हाँ, ये पुराना आयल जो है ना। हाँ, ये अगली बार मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, अगली बार इसमें इस्तेमाल नहीं करते हो आप? नहीं करता हूँ। ये बात अच्छी है, आपने बच्चों किस लिए के बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खुद भी खाता हूँ। बेटा इसको खाली करो, सही बात है, फिर खाली करो, मैं खुद भी खाता हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं। क्या पता क्या पुराने तेल में 19-20 हो जाए, 19-20 हो जाए। बड़ी बात है ये बदबू भी कर सकता है। अच्छा, ये एक्सपायर भी हो सकता है? हाँ, तो इसलिए पुराना। अच्छा, इसकी मतलब जैसे एक मिसाल है, हाँ, कितने दिन इसको रख सकते हैं इस पापड़ को? जैसे आप माल बनाए और दूसरे तो ये तो माल बनाते तक 3-4 दिन गारंटी है। अच्छा, 3-4 दिन इसको चलाना है? चलाना है, खत्म करना है, खत्म करना। हाँ, मगर मेरा माल है, मैंने 15 दिन की गारंटी देता हूँ, 15 दिन अगर खराब हो गया माल मेरा हो गया। वो कैसे? बस वो मेरी एक आज की सफाई है, कोई भी दुकानदार ले जाए इसको रखे पेटी में बंद कर रख दो, 15 दिन के बाद ये थैली निकालो, अगर खराब हो जाए मैं पैसे भर के दूं। अच्छा, एक मिसाल है। अच्छा, खराब हो जाए तो उसको कैसे मतलब पता चलेगा ये खराब? खुशबू या बदबू करेगा? ये बदबू मारेगा ना। अच्छा, खाने में इसका जायका भी चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, बदबू मारेगा ये। अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, बड़ी बात है सफाई की, सफाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे दोस्तों अभी यहाँ पे बिल्कुल केयर भाई लगे हुए काम कर रहे हैं अपने, और ये देखें ये निकाल रहे हैं पापड़ अभी,
तो अभी हम भी चेक करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। बहरहाल पहले हम थोड़ा सा मैंने का वीडियो बना दें, इसके बाद देखेंगे। तो ये काम सर आप अकेले करते हो? हाँ मैं अकेले करता हूँ। आपकी पत्नी घर मतलब इसमें हाथ बटाती है? नहीं इसमें नहीं, आयल में नहीं। अच्छा आयल में ही भाई, इसका ये काम मतलब आसान वाला नहीं है? नहीं सही बात है, आयल वाला काम है ना, बच्चे नहीं करते। अच्छा खुद ही करूँगा अभी सारा दिन, पाँच बजे तक माल बनाऊंगा। अच्छा वो सर आपकी पत्नी ये मतलब ये बनने में मतलब हो जाएगी ऐसे? अच्छा अच्छा ये छोटे छोटे जो अभी मतलब ये जो थैलियाँ वगैरह भर रहे हैं ये बच्चे भरते हैं? अच्छा इसको फिर क्या आपकी दिहाड़ी देते हो, मजदूरी देते हो उनको? इनको 20-30 रुपए खर्चा भी देते हैं और पापड़ फ्री है, जितनी खाने खाओ। वाह भाई वाह, ठीक है भाई। जब केवल अभी लगे हुए यहाँ पे, ये देखें दोस्तों छोटी सी इन्होंने भट्टी बनाई हुई है। और अभी गर्मी का टाइम कितना हो रहा है, अभी गर्मी में ये अभी लगे हुए हैं और अपना काम में जारी मसरूफ हैं दोस्तों। जो देखें मेहनत बहुत आसान है लेकिन करनी बहुत हार्ड है ऐसे ने? हाँ, और मेहनत के सिवा तो कुछ मिलता भी नहीं है ऐसे? हाँ, वाह भाई वाह। ये देखें अभी केवल भाई इधर लगे हुए अपने काम में और जो हो सके देखे दोस्तों कैसे कर रहे हैं अभी और गर्मी में अपना काम। और ये सारा मतलब इन्हों का सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें दोस्तों सारा सिस्टम। हाँ भाई ये देखें, हाँ ये देखें दोस्तों सारा इन्हों का किया हुआ है। जी सर इसमें मैं एक चीज आपको भूल गया, ये जो आप छापरे पड़ी है सामने जो भराई वारी, वो कितने की छापर मिलती होगी आपको? ये एक तकरीबन ये आपको किलो के हिसाब से मिलती है? 520 रुपए किलो है। 520 रुपए किलो? हाँ। एक किलो में कितनी छापरे होंगी तकरीबन? किलो में अंदाजे में ये हो सकती है अपना 100 दो ढाई सौ थैली। अच्छा ये देखें भाई छापरे भी बहुत बड़ी है, इसमें छोटी भी होंगी बड़े वाली भी होंगी, सारी इसमें मिक्स है ना। हाँ। ये देखें दोस्तों, तो केवल भाई का ये छोटा सा हमने आज आपको दिखाया दोस्तों, ये इनका छोटा सा कारोबार है जो पापड़ बेच के सेल करके अपने बच्चों का रोजी रोटी करता है दोस्तों। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा दोस्तों, और जहाँ से भी आप देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसे मतलब भाई देखें अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करता है दोस्तों, ये देखें यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इन्हों का किया हुआ है। यहाँ पर ये पापड़ पड़े सारे ये इन्हों का ही है दोस्तों, और इन्हों का केवल भाई का ये छोटा सा घर है दोस्तों। ये देखिए कच्चा है मिट्टी वाला है लेकिन अपने मतलब देखें कैसे मतलब गरीब के हाल में लेकिन बच्चों के लिए रोजी रोटी करता है दोस्तों। ये देखें यहाँ पे केवल भाई, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।